दोस्तों, जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए NH44 को 4 लेन में अपग्रेड किया जा रहा है और दिन ब दिन इस 4-way प्रोजेक्ट में प्रोग्रेस देखने को मिल रही है। इस 245 किलोमीटर वाले 4-way प्रोजेक्ट में सिर्फ रामबन से लेके बनिहाल वाली सेक्शन का काम बचा हुआ है। ये सेक्शन 35 किलोमीटर लंबी है, यानी कि 210 किलोमीटर का काम कंप्लीट हो चुका है और सिर्फ 35 किलोमीटर का काम बचा हुआ है। और अब जय रामबन से बनिहाल वाली सेक्शन भी कंप्लीशन की ओर बढ़ रही है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर की रामबन डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो NH44 रामबन के बाजारों से होके गुजरता है। बाजारों से होके गुजरने का मतलब आए दिन जहां पे ट्रैफिक जैम लग जाता था, और अब अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होने की वजह से जहां पे ट्रैफिक जैम लगने के चांसेस और ज्यादा हो जाते हैं, और साथ में ही जहां पे बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड्स भी होती हैं। और अब रामबन में 2-lane वायाडक्ट बनके तैयार हो चुका है। ये वायाडक्ट बाजार को बाईपास करके गुजरेगा, यानी कि जहां पे ट्रैफिक जैम लगने के चांसेस कम हो जाएंगे। दोस्तों, वायाडक्ट ब्रिज ही होता है। जो ब्रिज किसी रोड, स्ट्रीट या फिर पब्लिक एरिया को बाईपास करने के लिए बनाया जाता है, उसको वायाडक्ट कहते हैं। इस रामबन वाले वायाडक्ट की बात करें तो ये 1.08 किलोमीटर लंबा है। इस वायाडक्ट को 26 स्पैन्स के ऊपर बनाया गया है और इसको 140 करोड़ की लागत से बनाया गया है। इसके साथ ही इसके पैलर में एक और 2-lane वायाडक्ट बनाया जा रहा है, जो भी ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो चुका है और उसको भी जल्दी से कंप्लीट कर दिया जाएगा। और अब जो ये वायाडक्ट बनकर तैयार हुआ है, इसको जल्द ही ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा, और इसका सबसे ज़्यादा फायदा अमरनाथ यात्रा को होगा, जो कि अभी स्टार्ट हो चुकी है। और रिसेंटली जहाँ पे रामबन डिस्ट्रिक्ट में चनाब नदी के ऊपर जैसवाल ब्रिज भी बनकर तैयार हुआ था, जिसको फिलहाल ट्रैफिक के लिए खोल दिया जा चुका है। ये ब्रिज 2-lane और 118 मीटर लंबा है, जिसको 20 करोड़ की लागत से बनाया गया है। और अब इस जैसवाल ब्रिज के बनने के बाद इसके साथ ही एक और 2-lane ब्रिज बनाया जा रहा है। दोस्तों, इस रामबन से बनिहाल वाली 35 किलोमीटर वाली सेक्शन की बात करें तो इसके अंदर 6 टनल्स और 10 ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं। इन सब ब्रिजेस और टनल्स को 4000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। इन सभी 8 टनल्स की लंबाई 8 किलोमीटर की होगी, और जिनमें से सिर्फ 4.4 किलोमीटर के टनल्स ही बचे हुए हैं। रामबन से लेके बनिहाल वाली इस सेक्शन का काम जोरों शोरों से चल रहा है, और दिन ब दिन इसमें नई नई प्रोग्रेस हो रही है। रामबन और बनिहाल वाली सेक्शन के बीच चंद्रकोट में 200 से 300 गाड़ियों के रुकने के लिए पार्किंग भी बनाई जा रही है। दोस्तों, इस 4-lane प्रोजेक्ट के ऊपर रिसेंटली मैं एक वीडियो भी बना चुका हूं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वो आप देख सकते हो। इस पूरे 4-lane प्रोजेक्ट को अगस्त 2024 तक बनाने का लक्ष्य रखा गया है, और इसका काम भी जोरों शोरों से किया जा रहा है। और अब इस रामबन वाले वायाडक्ट के बन जाने के बाद अमरनाथ यात्रा को थोड़ी सी सुविधा मिलेगी और ट्रैफिक जैम से भी थोड़ा सा छुटकारा देखने को मिलेगा। आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर दीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।